दोस्तों, हाफ डुप्लेसिस की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शनिवार 7 मई की रात आईपीएल 2024 के 52वें मुकाबले में गुजरात टाइटन को 4 विकेट से हराकर अपनी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। जीटी के खिलाफ इस जीत के बाद आरसीबी का पॉइंट टेबल में भी फायदा हुआ है। टीम 10वें नंबर से सीधा 7वें पायदान पे पहुंच गई है। बेंगलुरु ने गुजरात को इस मैच में 38 गेंद शेष रहते हुए धूल चटाई, जिससे उन्हें नेट रन रेट में भी बम्पर फायदा मिला। आरसीबी की इस जीत के बाद फैंस की एक बार फिर प्लेऑफ को लेकर उम्मीदें जग गई है। आइए जानते हैं आरसीबी कैसे आईपीएल 2024 में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अगर आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंचना है तो उन्हें सबसे पहले अपने बाकी बचे मुकाबले जीतने होंगे। 11 मैच में 4 जीत के साथ बेंगलुरु 7वें पायदान पे है। आरसीबी के अगले 3 मैच पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ है। अगर इन 3 मैचों में टीम जीत दर्ज करने में कामयाब रहती है तो वो अधिकतम 14 अंकों तक जाएगी। इसके बाद आरसीबी को अन्य के रिजल्ट पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर आरसीबी अपने सभी मैच जीतकर 14 अंकों तक पहुंचने में कामयाब रहती है तो उसके बाद उन्हें उम्मीद करनी होगी कि सनराइजर्स हैदराबाद या लखनऊ सुपर जायंट्स में से किसी एक को वो एक से अधिक जीत न मिले। फिलहाल दोनों टीमों को 10 मैचों में 12 अंक है। इसके अलावा आरसीबी को यह भी दुआ करनी होगी कि चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स को इस सीजन अब 2 से अधिक जीत न मिले। दोनों टीमों के खाते में फिलहाल 10-10 अंक है। इसी तरह पंजाब भी बचे 4 में से 3 ही मुकाबला जीते ताकि उनकी गाड़ी भी 14 अंकों से आगे बढ़ नहीं पाए। वही अगर गुजरात भी अपने बचे सभी मैच जीतती है तो अधिकतम 14 अंकों तक पहुंचेगी। ऐसे में आरसीबी को दुआ करनी होगी कि उनका नेट रन रेट ज्यादा ना बढ़े। इन सभी समीकरण के बाद आरसीबी को मिलाकर कुल 6 टीम होगी जो 14 अंकों पर खड़ी होगी और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए 1 स्पॉट होगा। ऐसे में क्वालिफिकेशन का फैसला नेट रन रेट के आधार पे होगा। इस तरह आरसीबी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। अगर कल की मैच की बात करें तो टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी गुजरात टाइटन की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पावर प्ले में रिद्धिमान शाह, शुभमन गिल और साई सुदर्शन के 3 बड़े विकेट खोने के बाद टीम पहले 6 ओवर में मात्र 23 रन ही बना सकी। यह गुजरात टाइटन की आईपीएल में अभी तक पावर प्ले का सबसे कम स्कोर रहा है। इसके बाद शाहरुख खान, डेविड मिलर और राहुल तेवतिया ने जरूर टीम को संभालने की कोशिश की, मगर जैसे ही इनके विकेट गिरे तो टीम ताश के पत्ते की तरह ढह गई। जीटी पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 19.3 ओवर में 147 पे ढेर हो गई। 148 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम को फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली ने तूफानी शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 5.5 ओवर में 92 रनों की साझेदारी की। यह आरसीबी का आईपीएल के इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा स्कोर रहा है। इस दौरान डुप्लेसिस ने आरसीबी के लिए 18 गेंदों पर दूसरी सबसे तेज 50 जड़ी। कप्तान के आउट होते ही विकेट की झड़ी लग गई। 6ठे ओवर से लेकर 11वें ओवर तक टीम ने लगातार 6 विकेट खोए, जिससे कुछ देर के लिए फैंस के सांसें बढ़ गई थी। हालांकि इसके बाद दिनेश कार्तिक ने सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाई। दोस्तों, क्या आरसीबी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, आप कमेंट सेक्शन में हमें राय जरूर दें। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।